अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी चला रहा है भी। एनसीईआरटी 3.2 का सातवां नंबर क्वेश्चन। अब टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया, यानी मैट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। दो इक्वेशन है मेरे पास, तो एक्स और वाई है और वाई माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स का और वाई का वैल्यू निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो निकालने का तरीका आपके पास जब इक्वेशन आ जाता है तो बहुत सारा तरीका आ जाता है। या तो आप इसको विलोपन विधि से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से, अनेक तरीका है बनाने का। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एक और दो को जोड़ देते हैं। एडिंग वन एंड टू वी गेट, एक और दो को जोड़ने पर, यानी बाएं साइड को बाएं साइड वाले एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे, यानी एक्स प्लस एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, इसको लिखा एक्स प्लस वाई और फिर एक्स माइनस वाई, ये वाई कैपिटल वाई, और फिर इसको दाएं साइड वाले को दाएं साइड वाले के साथ जोड़ेंगे, 7025। आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, आपका भी आंसर सेम निकलेगा। ठीक है, चलो तो जोड़ने के बाद हमारे पास आया ये y प्लस में और माइनस में कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल्स टू क्या आया, 2x इक्वल्स टू 7 प्लस 3 10 0 2 5 प्लस 3 8, ये निकला हमारे पास 2x इक्वल्स टू। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5, है ना। अच्छा, थोड़ा सा सलीके से पहला क्वेश्चन है। हम लोग शुरू से ही बोर्ड का तैयारी लेकर चल रहे हैं, बोर्ड में जैसे बनाना है वैसे लिखना है। मैं जैसे जैसे लिखते आ रहा हूं आप ऐसे ऐसे लिख देना बोर्ड में, 100% नंबर। अब ये जो 2 था ये नीचे में बटे होता है इसके इसके नीचे, तो इसके नीचे लिखते अगर हम तो भद्दा लगता देखने में, इसलिए 1/2 करके हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1/2 अंदर में डालिए, जब 1/2 अंदर डालेंगे तो 10/2 हो जाएगा, 0/2 होगा, फिर 2/2 होगा और 8/2 होगा। आई होप आ गया, चलिए आ गया। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं लिखते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आप नहीं भी लिख सकते हैं। तब x इक्वल्स टू हो जाएगा 10/2 5 0 1 और 4, ये हम लोगों को निकला x का वैल्यू। ठीक है, अगर ये नहीं लिखते हैं फिर भी चलेगा, आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, इसको अंदर डालेंगे, लेकिन लिख देते हैं तो हर्ज नहीं है, आप वीडियो को फिर बैक करके उतार सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, किसमें, पहला में वी एट, हम लोग पहला इक्वेशन में एक्स का वैल्यू को डालेंगे तो एक्स का वाई का वैल्यू निकलेगा 5014 प्लस में y इक्वल्स टू 7025। हम लोग पहला इक्वेशन में इस इक्वेशन में इस x का वैल्यू को डाल दिए, यानी x के जगह पर ये वैल्यू, फिर y हमने उतार लिया और फिर राइट साइड वाला उतार लिया जो खाते। अब y इक्वल्स टू मिलेगा 7025, और जैसे हम लोग बचपन में लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड ले जाते थे तो प्लस रहता था तो क्या हो जाता था, माइनस, तो यहां भी माइनस हो गया। ठीक है, तो 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 तो 0 और 2 माइनस 1 और 5 माइनस 4 1, तो आगे हम लोगों के पास आंसर लिखेंगे है
हेंस रिक्वायर्ड आंसर इज या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, इस तरह करते हैं, या फिर ऐसे भी छोड़ देंगे कि हाँ ये एक आंसर यहां है, दूसरा आंसर यहां है। अगर आपको आंसर और सुंदर तरीके से देना है तो लिखेंगे इसके बाद हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज एक्स इक्वल्स टू 5014 एंड वाई इक्वल्स टू 2011। ये हम लोगों का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आपको आंसर को यानी सॉल्यूशन को और सुंदर बनाना है तो इस तरह से लास्ट में लिख देना। ये लिखने से क्या होता है, नंबर कटता ही नहीं है। ऐसे यहां तक अगर छोड़ देंगे फिर भी आपको नंबर मिलेगा, इसमें कोई दोराई नहीं। लेकिन अगर यहां तक लिखते हैं तो आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी आ जाता है आंसर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये सेवेंथ नंबर का पहला नंबर था, अब सेवेंथ नंबर का दूसरा नंबर है। सेवेंथ नंबर का दूसरा नंबर में एक क्वेश्चन फिर से दिया होगा। अगर 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340 और 3x प्लस 2y दिया है 2 - 2 - 1 5। दो इक्वेशन दिया हुआ 2x + 3y और 3x + 2y, दोनों जगह प्लस है, ठीक है ना। 2340 और 2 - 2 - 1 - 4 - 5। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें भी x और y का वैल्यू निकालना है। इसको बनाने के लिए हम लोगों के पास मेथड है क्या है, या तो यहीं पर गुना कर देंगे, अगर आपको आसानी होती यहीं गुना कर देंगे। किसको, अगर हम y को काटना चाहते हैं तो दोनों साइड में, सॉरी दोनों इक्वेशन में उसके साथ 2 में इसके इक्वेशन 2 को 3 के साथ गुना करना है ना। अगर अब हमें y को काट x को काटना है तो इस इक्वेशन के साथ 3 और इस इक्वेशन के साथ 2 के साथ गुना 2 से गुना करेंगे और हमें x और y का वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर जैसे मैंने बनाया वैसे बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 2 × इक्वेशन 1 और -3 × इक्वेशन 2 गिव्स क्या है, 2 के साथ 2 से इक्वेशन 1 को गुणा करेंगे और माइनस करेंगे 3 और इनटू इक्वेशन 2 तब हमें मिलेगा। तो क्या करेंगे, इस साइड को सबसे पहले 2 से गुणा करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से, तो 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 × 2 = 4 और -3 × 2 = 6। अब यहां भी कर सकते हैं, यही चीज मैंने किया है कि इसको 2 से और इसको 3 से गुणा किया और लास्ट में घटाया है। अब देखो इधर से करना, 4x + 6y यही किया ना, इसके साथ 4x और -6y और माइनस करना है, यहां माइनस लिखा है माइनस करना है। अब इक्वेशन 2 को गुना करना है 3 के साथ है ना, तो 3 × 3 = 9x और यहां प्लस है और यहां माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा, 3 × 2 = 6y और इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको गुना करना है 2 से, 4 6 8 0 और माइनस
इसको गुना करना है तीन से, सिक्स माइनस सिक्स माइनस थ्री और प्लस 15। अब हम लोग पास इक्वेशन आ गया, अब क्या आया, प्लस माइनस मिला काट दिए, अब माइनस पांच एक्स इक्वल्स टू मिला फोर माइनस सिक्स माइनस टू, सिक्स माइनस माइनस प्लस सिक्स, फोर माइनस प्लस सॉरी एट माइनस प्लस थ्री ग्यारह और माइनस 15। तो एक्स का वैल्यू मिलेगा हमें माइनस टू बाय माइनस फाइव, तो टू बाय फाइव हो जाएगा, माइनस टू बाय माइनस फाइव तो टू बाय फाइव हो जाएगा, और फिर 12 बाय माइनस फाइव तो माइनस 12 बाय फाइव, 11 बाय माइनस फाइव और फिर तो माइनस को ऊपर ही देते हैं, और फिर माइनस माइनस कैंसिल होगा और 3 मिलेगा, हमें क्या मिला x का वैल्यू मिला। अब क्या करना है, y का वैल्यू निकालना। अगर आपको बचपन वाला तरीका अच्छा लगता है तो उसी तरीके से बनाना है, फुल नंबर मिला यही गुना करके फिर लकीर खींचना, फिर इस साइड को जोड़ना, फिर इस साइड को जोड़ना कर सकते हैं, वो भी अच्छा है, मुझे ऐसा लगा मैं करने लगा। अब हम लोग x का वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन वन में, इस इक्वेशन में पुट करते हैं एक्स का वैल्यू को, तो टू इंटू एक्स का वैल्यू मिला टू बाई फाइव माइनस ट्वेल्व बाई फाइव, इलेवन बाई फाइव और थ्री, प्लस थ्री इंटू वाई इक्वल्स टू टू थ्री फोर जीरो, ये हो गया टू थ्री फोर जीरो। चलो अब क्या करना, इसको गुणा करना, चार बट्टे पांच और बारह दोगुने चौबीस बट्टे ग्यारह दोगुने बाईस भागा पांच और तीन दोगुने छह, ठीक है। अब क्या करना, इसको उस पार भेजना, बचपन से हम लोग जानते हैं जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब जब बाएं साइड से दाएं साइड में जाता है प्लस में रहता है तो क्या रहता है माइनस, तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा, चार बटे पांच माइनस चौबीस बटे पांच माइनस बाईस बटे पांच और छह, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा, अब हमें वाई का वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है, ये एक्स का वैल्यू है। देखो थ्री इंटू वाई इक्वल्स टू टू माइनस फोर बाय फाइव, दस दस माइनस चार छह बटे पांच, फिर इसी तरह से थ्री माइनस, यहां पर माइनस है यहां माइनस है, प्लस ट्वेंटी फोर बाय फाइव, पांचतिया पंद्रह चल जाएगा, पांचतिया पंद्रह प्लस चौबीस तो उनचालीस बटे पांच, ठीक है। और फिर चार माइनस और माइनस प्लस, बाईस बटे पांच बीस प्लस बाईस बटे पांच तो बयालीस बटे पांच आ जाएगा, फिर जीरो माइनस सिक्स तो सिक्स ही होगा,
चलो इसको सॉल्व करो तो आंसर मिलेगा डायरेक्ट हम लोग भागा भी कर देंगे तो दो भागा पांच है ना, फिर तेरह तिया उनचालीस, फिर चौदह तिया बयालीस और तीन दोगुने छह, ये हम लोगों का टू बाई टू ऑर्डर का, ये एक्स का वैल्यू और ये वाई का वैल्यू। फिर इस तरह से हैंस एक्स इक्वल्स टू और वाई इक्वल्स टू, एक्स का वैल्यू क्या है टू बटे फाइव माइनस बारह बटे पांच ग्यारह बाई फाइव और थ्री, ठीक है। और फिर वाई का वैल्यू टू बाई फाइव थर्टीन बाई फाइव चौदह बटे पांच और दो, ये हम लोगों का आंसर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट दिन, चलो आप लोग उतारते रहो।